फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं इंडिया की बेस्ट 5 सीरम्स का रिव्यू। सो ये रही सीरम्स, इनका हम आज करेंगे रिव्यू। और फर्स्टली हम पहले कि सीरम्स हमारी स्किन के लिए क्यों ज़रूरत है, क्यों स्किन हमें सीरम की क्या ज़रूरत है। हमारे स्किन केयर, हम डेली स्किन केयर करते हैं, हम क्या करते हैं, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, एंड मॉइस्चराइजर के बाद हम अप्लाई करते हैं सनस्क्रीन, एंड दैट्स इनफ। नो, अगर हम सीरम का यूज़ ही नहीं करेंगे तो क्या स्किन केयर में हमारे सीरम का क्या यूज़ है। सो सबसे पहले हमारे स्किन में जो डल, अगर हमारी स्किन डल है, कोई स्किन में डार्क स्पॉट्स हैं और एक्ने है, तो सबसे पहले जो हमारी स्किन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे स्किन के लिए, वो है सीरम। फेस वॉश करने के पहले हमें क्या करना है, यूज़ करनी चाहिए सीरम। सो सीरम क्या करती है हमारे स्किन को, जो उसमें डल है, अगर हमारी स्किन डल है, इवन टोन स्किन है हमारी, अगर उसमें एक्ने के मार्क है, तो क्या करेगी, उन सभी को फेड अप करेगी और हमारी स्किन में क्या करेगी, ग्लो लाएगी। सो हमें सीरम का यूज़ करना चाहिए हमारी स्किन रूटीन में, डेली रूटीन हम जो स्किन केयर करते हैं उसमें सीरम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सो हमें नाइट रूटीन और जो डे रूटीन है हमारा, दोनों में ही सीरम का क्या करना इंपॉर्टेंट रोल है। सीरम में हमारी वो है डॉट एंड की फेस सीरम। इसमें क्या है, इसमें ये हमारी 10% विटामिन सी, इसमें 10% विटामिन सी प्लस ई, जो सब हम जानते हैं कि विटामिन सी और विटामिन ही ई हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो ये क्या करती है, हमारी जो हमारी स्किन में जितनी पिगमेंटेशन होती हैं डार्क स्पॉट्स के बाद पिगमेंटेशन रह जाती है हमारी स्किन में, उसे क्या करेगी, लाइट अप करेगी, एंड क्या करेगी, हमारी स्किन को ब्राइटर और ग्लो प्रोवाइड करेगी। सो ये हमारे पास फर्स्ट सीरम है, सो डॉट एंड की सीरम। सो हैव टू ओपन दिस एंड सो हम इसे अप्लाई करेंगे फेस पर। सो इसमें क्या है, ब्लड ऑरेंज एंड पम्पकिन का भी जो एक्सट्रैक्ट है वो इसमें है। सो इसमें ये 30 ml की है, और इसमें क्या क्या इन्होंने कहा है कि स्पेशली फॉर द डलनेस, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन एंड द डार्क स्पॉट्स, ओपन पोर्स एंड अर्ली एजिंग साइन, जो एज कि जिनकी जल्दी ही इसकी रिंकल्स वगैरह आते हैं तो डेफिनेटली वो यूज़ कर सकते हैं, जो मैं आपको 5 सीरम्स बता रही हूँ। सो इनका सीरम्स का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी है। सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना है, फेस को वॉश करना है, देन यू हैव टू बी अप्लाई ऑन योर फेस। So you have to see this, it's a transparent, you have to simply, अगर आप चाहे तो डॉट के साथ अप्लाई कर सकते हैं, but have you put on face and then simply you have to apply on your face. सो इसका टेक्सचर इजीली ऑब्जर्व जाती है आपकी स्किन में। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपका जो भी आप प्रेफर करते हैं मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। सो सनस्क्रीन अप्लाई करना ना भूलें कभी भी बाहर जाने से पहले। सो रात को आप सनस्क्रीन ना अप्लाई करें। और सबसे पहले जो हमारी थी वो थी डॉट एंड की फेस सीरम, एंड सेकेंड सीरम है हमारे पास नेचर इसेंस की फेस सीरम, नेचर इसेंस की फेस सीरम। सो नेचर इसेंस की फेस सीरम है, रेडियंस बूस्टिंग सीरम है, ये रेडियंस बूस्टिंग सीरम है, एंड इसमें क्या 24 कैरेट गोल्ड, ये इन्हांस करेगा हमारी नेचुरल ग्लो एंड रिपेयर्स एंड नरिश स्किन एंड प्रमोट स्किन जनरेशन, रीजनरेशन, उसकी जिनकी स्किन उसकी डल हो गई है, अभी स्किन में उसकी ग्लो नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, इन सीरम का यूज कर सकते हैं, इन सीरम्स का यूज कर सकते हैं, सभी सीरम्स का। सो अब हम इसका करेंगे रिव्यू। सो इसमें क्या कहा है इन्होंने कि सिंपली आपको क्या करना है, अपना फेस को क्लींस करना है एंड 2 to 3 ड्रॉप्स लेनी है, और डायरेक्टली क्या करनी है आपको, फेस पे अप्लाई करनी है। सो नेचर इसेंस की सीरम है हमारे पास। सो इसमें लिटिल लिटिल गोल्ड के पार्टिकल। सो आपको क्या करना, जैसे मैंने पहले वो सीरम अप्लाई की है वैसे हम इस सीरम को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको क्या करना, ओपन करना एंड विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर क्या करेंगे, हम इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे। सो मैं आपको इसको हैंड पे अप्लाई करके, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक सीरम अप्लाई की हुई है। सो यू हैव टू ओनली अप्लाई ऑन स्किन, फेस पर आपको ऐसे ही से अप्लाई कर लेना, एंड इसमें क्या है एक लिटिल बिट इसमें ग्लो है, आप देख सकते हैं मेरे हैंड पे। सो ये सीरम्स का यूज करना, आपको फेस वॉश करने के बाद आप सीरम का यूज कर सकते हैं इनका।
सो ये हमारे पास थी सेकंड सीरम, नेचर दी सन्स की रेडियंस बूस्टिंग सीरम 24 कैरेट गोल्ड। एंड नेक्स्ट सीरम, सो जो नेक्स्ट सीरम है हमारे पास वो है पिलग्रिम की, एंड इज अ ब्रांड पिलग्रिम एंड सीक्रेट्स ऑफ द जीयू आइलैंड अल्फा ब्यूटीन एंड विटामिन सी ब्राइटनिंग सीरम विद ब्लूबेरी सीरम है। इसमें भी क्या है, विटामिन सी का जो मैंने पहले बताया कि विटामिन सी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर स्किन, और अल्फा ब्यूटीन एंड ब्राइटनिंग सीरम है ये विद ब्लूबेरी। एंड ये सीरम भी क्या है हमारे लिए, मीन्स की स्किन के लिए कॉम्प्लेक्शन और रिड्यूस, इस पर लिखा हुआ है रिड्यूस द पिगमेंटेशन, ब्राइटनिंग द स्किन एंड एंटी एजिंग स्किन के लिए क्या करेगा, जो भी हमारे डार्क स्पॉट्स हैं, अगर हमारे डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है स्किन के ऊपर, तो क्या करेगा ये, क्या करेगा उसे रिड्यूस करेगा। सो दिस सीरम एंड दिस ऑल सीरम्स आर विद द ड्रॉपर, एंड सो ड्रॉपर के साथ हमें इसे अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो यू हैव टू टू और थ्री ड्रॉप्स लेके आपको क्या करना है, ईजिली अपने फेस पे क्या करना है, इसे अप्लाई करना है। एंड यू हैव टू आपको अगेन इसे क्या करना है, अपने फेस पे अप्लाई करना है। तो मैं आपको इसे हैंड पे अप्लाई करके बता रही हूँ, आपको क्या करना है, इसे फेस पे अप्लाई करना है। सो यू हैव टू अप्लाई ऑन योर फेस लाइक दिस एंड सर्कुलर मोशन में क्या करना है, इसे अच्छी तरह से मसाज करना है एंड इसे लीव कर देना है। ये क्या करेगा, इजिली अपनी स्किन पे क्या करेगा, ऑब्जर्व कर जाएगा, और इसे आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में क्या करेगा, ये मेरी स्किन में क्या करेगा, अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस पर कोई भी मॉइस्चराइजर का अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी इतनी देर में क्या हो चुका है, मेरी स्किन में अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो चुका है एंड स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट है। और क्या करेगा ये, इसकी अगर आप से डेली इसकी बेसिस पे से यूज करते हैं तो क्या करेगा, स्किन में क्या करेगा, पिगमेंटेशन का क्या करेगा। सो नेक्स्ट सीरम इज अ फॉक्सटेल फ्रॉम द ब्रांड फॉक्सटेल एंड फॉक्सटेल सी फॉर योर सेल्फ ब्राइटनिंग विटामिन सी सीरम एल एस्ट्रोविक एसिड एंड द विटामिन ई इसमें इंक्लूडेड है। सो ऑल स्किन टाइप ये सीरम्स है, जो वो सभी स्किन टाइप्स के लिए सीरम्स है, जो भी सीरम्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टॉप 5 इंडियाज मोस्ट यूज्ड और अगर इसके बेस्ट सीरम्स है इंडिया की, वो क्या है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए सीरम है, आप सभी इसके सीरम्स का यूज कर सकते हैं। सो ये सीरम है विद वो ड्रॉपर के साथ ही, ये पंप के साथ है, यू इजली टू यूज दिस विद हेल्प ऑफ पंप, यू हैव टू सिंपली पंप इट, सो यू हैव टू यूज इट एंड ऑन फेस एंड यू हैव इजली मसाज लाइक दिस एंड लीव इट फॉर द अब्सॉर्बेंस के लिए आप इसे ऐसे लीव कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं स्किन, आप ऐसे ही इसे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। सो ये सभी सीरम्स हैं क्रुएल्टी फ्री सीरम्स हैं, ये सभी सीरम्स क्या है हमारे लिए, कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है इसमें, क्रुएल्टी फ्री सीरम्स हैं, वेगन है और नो हार्श केमिकल्स और नो पैराबेन्स पैराबेन सल्फेट्स नहीं है इसमें, और इस पैराबेन और सल्फेट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारी स्किन के लिए, इनमें कोई भी ऐसे केमिकल्स इंक्लूडेड नहीं है जो हमारी स्किन को हार्म करें। सो लास्ट सीरम है जो हमारे पास वो है मूडी, सो इट्स नेम इज अ मूडी, मूडी विटामिन सी फेस सीरम, सो ऑल आर द फेस विटामिन सी फेस सीरम्स, सो हेयर इज अ विटामिन सी फेस सीरम, सो ऑलरेडी इट्स अ मैंडरिन ऑरेंज एंड द हाइलुरिक एसिड, एज वी नो द बेनिफिट्स ऑफ द हाइलुरिक एसिड, सो इट्स फॉर द डार्क स्पॉट्स एंटी एजनिंग के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, बेनिफिशियल है ये एसिड। सो हम इनका यूज़ करते हैं फॉर द अवर स्किन केयर, इन स्किन केयर में मोस्टली जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनमें ये एसिड क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। सो दिस इज अ सीरम, सो दिस इज अ पैकेजिंग फ्रॉम द मूडी एंड विटामिन सी फेस सीरम एंड यू हैव हियर इज अ ड्रॉपर, ये ड्रॉपर के साथ है, यू हैव टू इजली क्या करना है आपको फेस पे क्या करना है, 2-3 ड्रॉप्स एंड देन यू हैव टू मसाज इट, सो यू हैव टू लाइक दिस मसाज इट। सो ये फेस सीरम्स का आप यूज कर सकते हैं, ये हमारे इंडिया की जो बेस्ट फेस सीरम्स है, ये पांचों ही फेस सीरम्स क्या है बेस्ट हैं। सो इनका भी कोई भी, ये मैंने आपके साथ शेयर की है इंडिया की मोस्ट बेस्ट मोस्ट यूज्ड और जो बेस्ट फेस सीरम्स हैं उनका मैंने आपके साथ रिव्यू किया है। सो दे आर द डॉट एंड की एंड नेचर एसेंस एंड पिलग्रिम एंड द फॉक्सटेल एंड द मूडी। सो
ये क्या है, इंडिया के जो बेस्ट फेस सीरम्स हैं ये इनका मैं आज रिव्यू किया है मैंने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। और इनका कोई भी कंपैरिजन नहीं है, ये सभी क्या है, 5 जो फेस सीरम्स हैं बेस्ट फेस सीरम्स हैं। अगर आपको इनमें से आप कोई भी अपने स्किन केयर रूटीन में आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं, एनीवन यू हैव टू बी इंक्लूडेड इन योर स्किन केयर रूटीन। सो आप इनमें से जो ये 5 ही क्या है बेस्ट स्किन केयर रूटीन के लिए सीरम्स हैं। सो डेफिनेटली इन सभी का लिंक है, लिंक मिल जाएगा आपको इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जरूर मिल जाएगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।